मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफ़ी रिजनेबल हैं। पहचाना, जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना, सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी, और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी, और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र एवं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल ने विशाल खबर से चर्चा के दौरान कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कीमत में शामिल नहीं होंगे। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि राजनीतिक सूत्रों से यह पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी अजय सिंह राहुल पर सीधी लोकसभा चुनाव के लिए डोरे डाल सकती है, क्योंकि सीधी लोकसभा से रीति पाठक जो सांसद थी वह सीधी से विधायक बन चुकी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीधी लोकसभा के लिए एक अदद नए प्रत्याशी की जरूरत थी। विशाल खबर में सूत्रों के हवाले से एक खबर चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी अजय सिंह राहुल पर डोरे डाल सकती है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अजय सिंह राहुल को पर्याप्त मान सम्मान उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं मिल रहा है, इस हिसाब से अजय सिंह राहुल का मन बदल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें मान सम्मान के साथ बुलाती है तो अजय सिंह राहुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर को देखने के बाद अजय सिंह राहुल जब सतना आए तो उन्होंने सतना के एक स्थानीय कांग्रेस नेता के मोबाइल फोन से हमसे बात की, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस छोड़कर न कभी गए थे न कभी जाएंगे, हम जहां हैं वहां अच्छे हैं और संतुष्ट हैं। अजय सिंह राहुल की इस बातचीत से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अजय सिंह राहुल भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। फिर भी जितनी साफगोई से अजय सिंह राहुल ने विशाल खबर से यह कहा, हम कांग्रेस में ही रहना चाहते हैं, अब हमें कहीं नहीं जाना। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि अजय सिंह राहुल प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, विंध्य क्षेत्र में अजय सिंह राहुल का पर्याप्त जनाधार है। 2018 का विधानसभा चुनाव अजय सिंह राहुल शारदेन तिवारी से चुरहट से हार गए थे, लेकिन 2023 में अजय सिंह राहुल ने शारदेन तिवारी से अपने हार का बदला ले लिया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।